फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ एक फेशियल का रिव्यू और डेमो दोनों। सो आपके लिए फेशियल बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है और छोटी किट है, वन टाइम यूज़, तो आप इसे घर पे लाके भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। रागा एक्सप्रेस फेशियल नॉर्मल टू ड्राई स्किन सिंगल यूज़, आप देख सकते हैं छोटी फेशियल किट है, सिंगल यूज़ के लिए है, कोई बड़ी फेशियल किट नहीं है, तो इसमें आप एक बार में वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि लिखा है नॉर्मल टू ड्राई स्किन, या फिर इसे नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन पे भी कर सकते हैं, तो क्योंकि आप इसे सेंसिटिव स्किन पे कर सकते हैं तो आप इसे एनी ऑल टाइप स्किन पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर इसके पीछे जो है सारा आपको डायरेक्शन ऑफ यूज़ दिया हुआ है और इसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डले हुए हैं वो सब दिए गए हैं। काफ़ी सारी आपको इसमें पीछे डिटेल्स दी गई है। पाउचेस आपको मिल जाते हैं, उन पाउचेस में जो है एक एक करके प्रोडक्ट दिया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है क्लींजर, सेकंड है स्क्रब, थर्ड है टोनर, फोर्थ है मसाज क्रीम, फिफ्थ है वाइप ऑफ मास्क एंड सिक्स है सनस्क्रीन लोशन। तो इसके अंदर आपको ये 6 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। स्टेप्स आपको दिए हुए हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है, यूजर्स डायरेक्शन। सो स्टेप 1 है वाइप द फेस विद वेट कॉटन, अप्लाई द क्लींजर एंड फॉर 2-3 मिनट्स, क्लींजर को आपको 2-3 मिनट यूज़ करना है, रिमूव द क्लींजर। स्टेप 2 अप्लाई द स्क्रब, मसाज इन सर्कुलर मूवमेंट फॉर 3-5 मिनट एंड रिमूव इट, गिव स्टीम एंड रिमूव ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स इज इफ नीडेड। स्टेप 3 अप्लाई टोनर इन कॉटन एंड डू टोनिंग। स्टेप 4 गिव मसाज विद मसाज क्रीम फॉर 15-20 मिनट्स। स्टेप 5 अप्लाई द मास्क एंड लीव फॉर 10-15 मिनट्स आफ्टर द स्टेपलेटेड टाइम रिमूव द मास्क। स्टेप 6 अप्लाई सनस्क्रीन लोशन SPF 15 फॉर सन प्रोटेक्शन। तो ये चीज़ें जो आपको इसमें दी गई हैं, कितनी देर आपको कैसे यूज़ करनी है, कैसे रिमूव करनी है, सभी चीज़ें इसके अंदर आपको डिटेल में समझाई गई हैं। इसकी जो नेट कॉन्टेंट्स आपको दिए हुए हैं, क्लींजर 6 ml, स्क्रब 6 g, टोनर 5 ml, मसाज क्रीम 8 g, वाइप ऑफ मास्क 8 g, सनस्क्रीन लोशन SPF 15 2 ml। तो वही क्वांटिटी है जो एक बार में आपके फेस पे यूज़ हो जाएगी। एंड इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है अक्टूबर 2020 और एक्सपायरी है सितंबर 2022। 2 साल का आपको टाइम मिल जाता है। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको अंदर से इसे दिखाती हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको अपना फेशियल करके दिखाती हूँ। तो ये आप देखिए, इस तरीके से इसमें आपको मिल जाते हैं ये 6 पाउचेस इस तरीके से। तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में मतलब नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए, नंबर 1 क्लींजर, नंबर 2 एक्सफोलिएटर स्क्रब, नंबर 3 टोनर, नंबर 4 है मसाज क्रीम, नंबर 5 है वाइप ऑफ मास्क और नंबर 6 आपको मिल जाता है सनस्क्रीन लोशन। सो ये जो फेशियल है फ्रेंड्स, एक बार मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि जब आप अपने आप से यूज़ करते हैं तो उतनी ज़्यादा चीज़ की जो क्वांटिटी है आप नहीं यूज़ हो पाती है क्योंकि उतना ज़्यादा आप अच्छे से मसाज नहीं कर पाते हैं, बट जब कोई और करता है तो वो काफ़ी अच्छे से मसाज हो जाती है। खुद से मसाज करते हैं तो हाथ भी दर्द होने लगते हैं, सो उतनी क्वांटिटी यूज़ नहीं हो पाती है। तो अगर आप भी इसे घर पर लाते हैं तो हो सकता है आप भी इसे 2 बार यूज़ कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फेशियल। सो ये फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से बालों को कर लिया है टाई और लगा लिया है फेशियल बैंड बालों में। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं फेस को क्लीन। तो यहाँ पर क्लींजर आपको इसमें दिया हुआ है, आपको अलग से क्लींजर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम इसमें से अच्छे से क्लींजर लेके फेस को क्लीन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, क्लींजर से हमने फेस को 5 मिनट क्लीन कर लिया है। 5 मिनट हमने क्लींजर के फेस पर मसाज की थी। सेकंड है फ्रेंड्स हमारा स्क्रब, तो अब हम फेस पे स्क्रब करेंगे।
हमने 3 से 5 मिनट अच्छे से स्क्रब की मसाज की है। स्क्रब से कभी भी हार्ड हाथ से मसाज नहीं करनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट हाथ से मसाज करनी चाहिए। चाहे आपकी स्किन नॉर्मल ड्राई ऑयली सेंसिटिव जैसे भी हो, बट स्क्रब बहुत लाइट हाथ से करना चाहिए। हार्ड हाथ से अगर आप स्क्रब करेंगे तो वो रेडनेस वगैरह हो जाएगी और जो फेशियल का ग्लो है वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो आना चाहिए वो ग्लो नहीं आएगा। स्क्रब फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि अगर स्क्रब के पार्टिकल्स रह जाएंगे, दाने रह जाएंगे फेस पे, तो जब आप और मसाज करेंगे तो वो बार बार फेस पे स्क्रब के जो दाने हैं वो रब होते रहेंगे और फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको पेन होने लगेगा, स्किन खिंचने लगेगी। ये आप देखिए, आपको जो भी फेस पे लगाना है चीज़ें, मैंने क्लींजर और स्क्रब लगाया है, तो अच्छे से फेस पे भी, नेक पे भी, जो भी मैं अप्लाई करूँगी वो कानों पे भी, फेस पे भी और नेक पे भी। तो चलिए अब हमारा तीसरा जो स्टेप है फ्रेंड्स वो है टोनर। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्क्रब करने के बाद स्टीम लेनी है। अगर आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो मुझे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टीम और ब्लैक हेड निकालना स्किप कर रही हूँ। बट अगर आपको है तो आप स्टीम लीजिए और ब्लैक हेड्स निकालिए। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टोनर। तो ये जो टोनर है फ्रेंड्स, ये आपको हाथों पर लेना है और इसकी मसाज नहीं करनी है, इसको आपको डैप डैप करके लगाना है। ये आपको ऐसे हाथों पे लेना है, आप चाहें तो कॉटन बाउल में भी ले सकते हैं और इस तरीके से ये आपको इस तरीके से फेस पे डैप डैप करके लगाना है। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा फेशियल है और इसका जो ग्लो है ना, उसके लिए आपको रात या दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि साथ ही साथ आपको फेस पे ग्लो नज़र आने लगेगा। तो अगर आप फेशियल रात में करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे कि मैं अभी रात में फेशियल कर रही हूँ, तो अगर आप रात को फेशियल करके सो जाते हैं तो वो और भी अच्छा फेस पे ग्लो आता है फेशियल का। बट इस फेशियल की अच्छी बात है कि फेशियल करते करते ही साथ आपको इसका ग्लो नज़र आने लग जाता है। तो ये आप देखिए, ये हमने लगा लिया है टोनर। अब फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे इसका फोर्थ स्टेप जो है क्रीम। तो ये हम यहाँ पे अब क्रीम ले रहे हैं इसमें से, क्योंकि मैं इसे एक बार यूज़ कर चुकी हूँ तो इसमें थोड़ा थोड़ा सामान ही है। क्रीम की जो मसाज है फ्रेंड्स वो आपको सर्कुलर मोशन में या अपर डायरेक्शन में ही करनी चाहिए। तो आप देखिए कि मैं कैसे क्रीम की जो मसाज है वो किस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पर बीच बीच में आप चाहें फ्रेंड्स तो आप पानी या गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमने 15 से 20 मिनट की फ्रेंड्स क्रीम से मसाज कर ली है। थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया था, इसलिए आपको लगा होगा कि बहुत जल्दी कर ली है। यहाँ पे हमने क्लींजर को फेस से क्लीन किया है और स्क्रब को फेस से क्लीन किया है। टोनर को हमने फेस पे लगाया था, क्लीन नहीं किया था। क्रीम को भी हमें क्लीन नहीं करना है। और इसके बाद जो भी चीज़ें अब हम यूज़ करेंगे उसमें सिर्फ हम पैक क्लीन करेंगे और बाकी की चीज़ें हम फेस पे लगी रहने देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम हमारा फिफ्थ स्टेप लगाएंगे जो है मास्क।
तो अब हमें मास्क अप्लाई करना है। मास्क हमेशा आपको अपर डायरेक्शन में ही यूज़ करना चाहिए, इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो ये फ्रेंड्स मैंने अच्छे से फेस पे लगा लिया है फेस मास्क, नेक पर भी अच्छे से लगाया है। पैक अगर जलन करने वाला ना हो और आँखों को बचाते हुए आप इस एरिया पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे डार्क सर्कल होते हैं और पैक जो है वो हमारी स्किन को ग्लो देता है, स्किन को फेयर करता है। तो इसीलिए इस तरीके से मैं आइज़ पर भी अप्लाई कर लेती हूँ, और आपने देखा कि मैंने पैक जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाया है। इस बॉक्स के पीछे फ्रेंड्स इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं कि इसमें क्या क्या डाला है, तो उसके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें डली हुई हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो क्लींजर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है वीट ग्रम ऑयल, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल एंड शिया बटर। सो और सेकेंड है स्क्रब, स्क्रब के अंदर है लैक्टिक एसिड, शिया बटर, वीट ग्रम ऑयल, प्रो विटामिन B5, प्रो विटामिन ई। सो ये जो चीज़ें फ्रेंड्स के अंदर हैं ये क्यों डली हुई हैं, इनका क्या बेनिफिट है, मैं आपको बताती हूँ। स्किन के लिए जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, और ये सभी इंग्रेडिएंट्स हाइपर पिगमेंटेशन, एज स्पॉट्स और सनस्क्रीन टोन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल हैं। भी इंग्रेडिएंट्स हाइपर पिगमेंटेशन, एज स्पॉट्स और स्किन टोन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एंड इसके अलावा आ जाता है हमारा टोनर, तो टोनर के अंदर है जिंक PCA, रोज़ एक्सट्रैक्ट एंड प्रो विटामिन B3 5। सो डैप डैप करके आपको ये लोशन लगाना होता है टोनर, एंड स्किन के अंदर से रेडनेस कम करता है और स्किन को काम करने में हेल्प करता है। तीसरा है इसके अंदर फ्रेंड्स क्रीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं आपके शिया बटर, वीट ग्रम ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैरोट ऑयल, प्रो विटामिन B5, प्रो विटामिन ई। वीट ग्रम ऑयल हमारी स्किन और बालों के लिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है। शिया बटर स्किन और बॉडी को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर जो पीछे है आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में दी हुई हैं। ऑलिव ऑयल स्किन में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कैरेट ऑयल स्किन को यूवी रेस से बचाने में हेल्पफुल है, स्किन को ग्लोई और रेडिएंट बनाने में हेल्पफुल है। प्रो विटामिन B5 स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। प्रो विटामिन ई स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो ये जो चीज़ें इसके अंदर आपको बताई हुई हैं फ्रेंड्स, ये सच में इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। फेशियल ये वाकई में बहुत अच्छा है, अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आपको मिलता है, आपको इसके ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स पैक। तो पैक के अंदर आप इसमें है कैओलिन, शिया बटर, वीट ग्रम ऑयल, प्रो विटामिन B5, प्रो विटामिन ई। तो और जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एंड इसके अंदर जो कैओलिन दिया हुआ है फ्रेंड्स वो स्किन को ब्राइटन करता है, पोर्स को डीपली क्लीन करने के लिए, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, इरिटेटेड स्किन को स्मूथ करता है, और साथ ही साथ जो हमारी स्किन का एक्सेस ऑयल है उसको सोक करता है। एंड लास्ट में फ्रेंड्स के अंदर जो सनस्क्रीन लोशन दिया हुआ है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ऑक्टल, मैथॉक्सिनमैट, बेंजोफ्योन 3, बॉटीमेथॉक्सिड डी बेंजोल, मैथेन, टाइटेनियम डिऑक्साइड, लिक्रोरिक एक्सट्रैक्ट को फेस पे 15 मिनट्स हमें रखना है, और उसके बाद हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो चलिए मैं इसको 15 मिनट बाद क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देखिए फ्रेंड्स अच्छे से हमने फेस को क्लीन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं फेस मेरा फेशियल के बाद। और अब जो हमारा आखिरी स्टेप रह गया है वो है सनस्क्रीन लोशन। तो इसमें से हम सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कर लेंगे थोड़ा सा। ये आपको फ्रेंड्स बाहर के पॉल्यूशन से, डस्ट से, सनटैन से, सन की जो रेजेज होती हैं उनसे बचाता है। आप फेशियल्स में नहीं भी है तो भी आपको यूज़ करना चाहिए हमेशा ही, जब भी आप घर से बाहर कहीं जाते हैं आपको सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाना चाहिए। ये
आप देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो फेशियल है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और आप मेरे फेस का ग्लो देख सकते हैं। सीरियसली फेशियल बहुत अच्छा है। अगर मुझसे कहा जाए कि इसे आप मार्क्स कितने देंगे तो मैं इसे 100 में से 110 देना चाहूँगी। फेशियल वाकई में बहुत अच्छा है, रिजनेबल है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है और सेल्फ पाउचेस है, पीछे सारे इंग्रीडियंट्स दिए हुए हैं, यूजेज ऑफ डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस फेशियल किट को यूज़ करने में। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।